नमस्कार दोस्तों, मैं तालिबे लाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने किया था चंद्रमा सातवें घर का फल। आज हम लोग करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 8 के सिम्टम्स, प्रिकॉशंस और रेमेडीज़। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे और आप मेरी हौसला अफजाई करते रहें। दोस्तों, सबके लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि दिल्ली में मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ लाल किताब की, जिसमें प्योर लाल किताब सिखाई जाएगी और वो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी होगी। मेरा ऑफिस दिल्ली में पीतमपुरा में है, क्लासेस भी वहीं पे होंगी। तो जो लोग लाल किताब सीखना चाहते हैं वो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें, और जो लोग प्योर लाल किताब सीखना चाहते हैं और सीरियस लर्नर्स हैं सिर्फ वही कांटेक्ट करें, बिना वजह से टाइम वेस्ट ना करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चंद्रमा खाना नंबर 8 का फल क्या होता है, आठवां घर क्या है और आठवें घर में चंद्रमा क्या करेगा। आठवां घर शमशान का या कब्रिस्तान का बोला गया है। अब शमशान और कब्रिस्तान में फ़र्क क्या है? दोस्तों, शमशान जो है वहाँ पर लाशों को जलाया जाता है, इसलिए वो मंगल बद का है क्योंकि मंगल बद की भट्टी होती है। लेकिन जो कब्रिस्तान है वहाँ पे दबा दिया जाता है तो वो बन गई कब्र, जो कि कब्र जो है वो बुद्ध की है। अब बुद्ध को या कब्रिस्तान को आठवें घर से क्यों जोड़ा गया? आठवें घर में हमारी जो लाल किताब है वो हस्तरेखा और कुंडली इन दोनों को मिलाकर बनाई गई है, और आठवें घर में छोटी उंगली यानी बुद्ध की उंगली का अस्तित्व माना गया है। इसलिए आठवें घर को शमशान, क्योंकि वो मंगल बद का खाना है, मंगल और शनि का भाव है आठवां, और दूसरे नंबर पे कब्रिस्तान, क्योंकि आठवें घर में बुद्ध की उंगली का अस्तित्व माना है इसलिए बुद्ध का असर, इसलिए आठवें घर को शमशान और कब्रिस्तान दोनों से जोड़ा गया है। तीसरे नंबर पर जो चंद्रमा है वो आठवें घर में नीच का हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ आठवें घर में चंद्रमा किस्मत जगाने वाला ग्रह भी है, इसलिए आठवें घर का बुध के साथ और मंगल बुध के साथ कंसर्न ज़रूर हो जाता है। एक और चीज़ मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि मंगल बुध भी शिवजी का स्वरूप ही है, और मंगल जो नेक चंद्रमा जो है वो भी भगवान शिव का स्वरूप ही माना गया है। लाल किताब में 1941 का जो गुटका है इसमें इसकी रेफरेंस के अकॉर्डिंगली मैं आप सबको बता दूं कि जो चंद्रमा है ये आप देख सकते हैं, ये चंद्रमा का भाग है, उल्टा दिखेगा, शिवजी महाराज, और जो उसके बाद मंगल बद के जो देवता बताए गए हैं वो भी मंगल बद, शिवजी महाराज। या मैं आपको थोड़ा इसका विजन अगर क्लियर करूं तो आपको शायद इसमें उल्टा ही दिखेगा, लेकिन अगर आपको, आप लोग मेरी फेसबुक की फ़ोटोज़ या प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको इसका विजन क्लियर हो जाएगा। अब फल की बात करते हैं कि चंद्रमा खाना नंबर 8 में कैसे फल देता है। अकॉर्डिंग टू रेड बुक ग्रामर, जो आठवें घर का चंद्रमा होता है उसका फल आठवें घर में कैद रहता है, इसलिए आठवें घर के चंद्रमा वाला जो शख्स होता है वो अपने मन की बात किसी को जाहिर नहीं करता जब तक वो खुद ना चाहे। आठवें घर के चंद्रमा वाला इंसान अगर करैक्टरलेस हो जाए तो पैसे की मेजर दिक्कतें रहेंगी। आठवें घर के चंद्रमा वाले की जो माता जी होंगी उनको टांगों में, घुटनों में दिक्कत लगी ही रहेगी, या अगर किसी का बच्चा भी है और उसका चंद्रमा आठवें में आ गया है और उसकी माँ को रात के समय जो पिंडलियाँ होती हैं यानी कि टांगों का पिछला हिस्सा जिसको पंजाबी में पिन्नी बोला जाता है, पिन्नियाँ खुसती हैं यानी कि उनमें हलचल रहती है जिसकी वजह से अच्छे से उसकी माँ सो नहीं पाती। चंद्रमा आठवें घर में हो और ऐसे जातक की जो माँ है वो तकरीबन दिन में सोने की शौकीन पाई जाती है, और ऐसे घर में मोस्टली दूध उबलता रहता है, उबल के गैस के ऊपर गिरता रहता है, जो कि अवॉइड करना चाहिए। किसी भी घर में दूध का उबलकर उफान आकर गैस के ऊपर गिर के जल जाना
एक बुरा शगुन है, बुरा सिम्टम है, ये किसी घर में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से पैसे की दिक्कत लगी रहती है। उसके बाद चंद्रमा आठवें भाव वाला इंसान जो है वो कई बार देखने में आया है कि कंजूस होता है, यानी जल्दी पैसे खर्च नहीं करता, और दूसरी बात ये भी है कि उसके पास ज़्यादा पैसे होते भी नहीं हैं कि वो कहीं पे खुल के खर्च कर सके। आठवें घर का चंद्रमा खुद कलपता रहेगा लेकिन किसी को अपने मन की बात जाहिर नहीं करेगा, यानी कि दिल के बड़े अच्छे होते हैं लेकिन लोग उनको गलत समझ लेते हैं। दिल का अच्छा होने के बावजूद जब किसी को कोई गलत समझता है तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए चंद्रमा आठवें वाले कई बार चिड़चिड़े नेचर के भी देखे गए हैं। चिड़चिड़ा नेचर हो जाना और फंस के चिड़चिड़ा होना, यानी कि फ्रस्ट्रेशन होना, एक अलग बात होती है। चिड़चिड़ा नेचर दो ग्रहों की वजह से है, चंद्रमा की वजह से भी और मंगल की वजह से भी। हमें ये चेक करना होगा कुंडली में कि वो चंद्रमा की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है या मंगल की वजह से, ये हमें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। मंगल कैसे चिड़चिड़ा बनाता है वो फर्दर एपिसोड्स जब मंगल के आएंगे तो उसके बारे में भी मैं ज़रूर बताऊंगा। आठवें घर के चंद्रमा वाला इंसान जो होता है वो उसकी लेफ्ट आई में कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आठवें घर में चंद्रमा ताई को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसका रिश्तेदार ताई है। ताई यानी आपके पिता के बड़े भाई की बीवी। वो ताई जो होती है मोस्टली चंद्रमा आठवें वाले को ऐसा दिमाग में रहता है कि उनके घर में जादू टोना किया कराया गया है, और मोस्टली उसके जो अपने शरीक होते हैं यानी कि चाचा ताया, उनके परिवारों के साथ मनमुटाव लगा रहता है। आठवें घर के चंद्रमा वाले को चाहिए कि कभी भी कुएं के ऊपर मकान ना बनाए या कुएं के ऊपर बना हुआ मकान भी ना खरीदे, और बाय चांस अगर मिल ही गया तो उसको चेंज ज़रूर करे। कुएं के ऊपर छत डाल के बनाया हुआ मकान कभी भी फाइनेंशियल बरकत नहीं देगा, उल्टा ऐसे मकानों में रहने वालों के पैसे जो हैं वो वेस्ट होते रहते हैं, बरकत नहीं पड़ती। घर के साथ लगता हुआ भी कुआं नहीं होना चाहिए, अगर है तो पैसा कभी भी बढ़ेगा नहीं, और जितनी देर आप अपने मकान को नहीं चेंज कर सकते तब तक उस कुएं में, चाहे वो बंद हो कुआं, सूखा हो या खुश्क हो या कैसा भी हो, उसमें दूध ज़रूर डालते रहें ताकि आपका जो बैड इफ़ेक्ट है प्लैनेट्स का वो ख़त्म होता रहे। अब चंद्रमा आठवें का कंसर्न जो है वो ग्यारहवें से देखना पड़ता है, बारहवें से, दूसरे से, सबसे देखना पड़ता है, लेकिन उसके साथ सबसे ज़रूरी जो है, क्योंकि चंद्रमा का फल कैद रहना है, इसलिए 2, 8, 2, 12, 11 इनको कंसर्न को ज़्यादा देखने की ज़रूरत जो है वो कम रहती है, लेकिन सातवां और नौवां ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि सातवां खाना अपना असर आठवें में पहुंचा सकता है मुश्तरका दीवार से, और जो नौवां खाना है उसमें चंद्रमा का असर मुश्तरका दीवार से पहुंच सकता है लेकिन अपना असर दूसरी तरह से चंद्रमा बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए जो भी प्लैनेट्स उसमें बैठे हैं, मान लीजिए अगर मित्र प्लैनेट बैठे हैं सातवें में या नौवें में, फिर तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी, और अगर कहीं शत्रु बैठे हैं तो वो उसको नेगेटिव ज़रूर करेंगे, यानी कि लाल किताब में कॉन्सेप्ट है दीवार फटना, इसलिए जो दीवार फटने का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा प्रिडिक्शन करते टाइम। हाँ, इसके साथ साथ तीसरा घर क्योंकि मंगल का भी है तो चंद्रमा अगर आठवें में हो तो मंगल को सपोर्ट कर देता है क्योंकि वो मंगल का मित्र प्लैनेट है, इसलिए कुंडली में जल्दी मंगल को ख़राब नहीं होने देता, लेकिन कहीं ना कहीं शनि को ख़राब ज़रूर कर देता है क्योंकि आठवीं जड़ शनि की भी है और शनि को कहीं ना कहीं बुरा इफ़ेक्ट ज़रूर पहुंचाएगा। चंद्रमा आठवें वाले को रेमेडी के तौर पे चाहिए कि दूध दान करता रहे, बुज़ुर्गों के नाम पे दूध की खैरात करता रहे। अगर फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है या बेऔलादी सता रही है, औलाद नहीं हो पा रही, तो ऐसा इंसान कांच की बॉटल में शमशान घाट का या कब्रिस्तान का पानी डाल के कांच का ढक्कन लगा के उसको अपने रूम में रखे और मोस्टली अंधेरी जगह रखे, तो ऐसा इंसान को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं चंद्रमा से रिगार्डिंग। बाकी आठवें घर में भी चंद्रमा के लिए जंगी घोड़ा जो है वो अपने घर में रखा जा सकता है, वाटरफॉल को नॉर्थ वेस्ट में रखा जा सकता है, जो कि बेनिफिशियल रिजल्ट्स देते हुए देखा गया है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, बाकी हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप वेरी करते हैं, डिफरेंट चीज़ें निकल आती हैं कुंडलियों में, इसलिए जो भी आपको
अपनी कुंडली के रिगार्डिंग रेमेडी करनी है उससे पहले अपना हॉरोस्कोप ज़रूर चेक कराएं। और जो लोग सीखना चाहते हैं या हॉरोस्कोप चेक करवाना चाहते हैं मुझे फ़ेस टू फेस मिलके दिल्ली में या अमृतसर में, दो जगह मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो वो लोग मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर हैं 9872372201, दूसरा नंबर है 7889236605। और जो लोग लाल किताब दिल्ली में सीखना चाहते हैं या दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में जो लोग सीखना चाहते हैं वो दिल्ली में पीतमपुरा में मुझे आके मिलके कांटेक्ट कर सकते हैं। और सितंबर मिड के बाद वहाँ पे बैचेस जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। आज के लिए खैर इतना ही है, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।